भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के गुंडागर्दी का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ कि भाजपा के ही नगर परिषद के अध्यक्ष ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा अध्यक्ष राम सुशील पटेल ने डेढ़ दर्जन लोगों के साथ मिलकर नगर परिषद सीएमओ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में बीच बचाव में कई पार्षद भी घायल हो गए, जिसमें महिला पार्षद भी शामिल है। सीएमओ सहित महिला पार्षद जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर नया मोड़ तब सामने आया जब अध्यक्ष राम सुशील पटेल भी सीएमओ देवरत्नम सोनी के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाना रामनगर पहुंच गए और सर पर चोट दिखाते हुए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के इशारे पर मारपीट करने का आरोप लगाया। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में दिखी। लहूलुहान हालत पर जिला अस्पताल पहुंचे सीएमओ देवरत्नम सोनी का हाल चाल जानने की जहमत तक किसी वरिष्ठ अधिकारी ने नहीं उठाई, जबकि घटना के समय डीआईजी एसपी एडिशनल एसपी सभी जिला मुख्यालय पर मौजूद थे। लेकिन आधा घंटे बाद सीएसपी विजय सिंह महज औपचारिकता पूरी करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। सीएमओ देवरत्नम की हालत बेहद खराब है, शरीर के अलग अलग हिस्से पर चोट के निशान है और डंडे लगने से सिर लहूलुहान हो चुका है। महिला पार्षद भी घायल है। जब पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल से बात की गई तो उनकी इस गंभीर मामले पर उदासीनता सामने आई। उन्होंने बड़े ही सहज लहजे में भाजपा से नगर परिषद अध्यक्ष राम सुशील पटेल का बचाव करते दिखे, जबकि वायरल वीडियो में राम सुशील पटेल सहित एक अन्य हमले के बाद डंडे लेकर जाते कैमरे में कैद हुए और तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि अध्यक्ष राम सुशील को कोई चोट नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर राम सुशील पटेल को चोट कैसे लगी। गौरतलब है कि भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष राम सुशील पटेल पर आवास योजना पर घोटाले को लेकर FIR दर्ज है। राम सुशील पटेल इसमें मुख्य आरोपी हैं, जिसे लेकर सीएमओ से अध्यक्ष टसक मानते थे और आज डंडे से प्राणघातक हमला कर दिया। देखिए जी, अभी एक रिपोर्ट आई है जो सीएमओ रामनगर और अध्यक्ष जो है वहाँ पे उनके बीच में वहाँ पे ऑफिस में विवाद हुआ, उसके बाद लड़ाई हुआ और सीएमओ के ऑफिस में जाके अध्यक्ष ने उनको मारा, ऐसे रिपोर्ट आई है। दोनों पार्टी अभी पुलिस के पास पहुँचे हैं। यहाँ एक सीएमओ जो अभी सतना हॉस्पिटल में आई हैं, यहाँ पे हमारे सीएसपी और टीआई साहब गए हैं उनके बयान लेने के लिए और उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और दूसरी जो अध्यक्ष जो है वो रामनगर थाने में पहुँचे हैं, उनको भी चोट लगी, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ भी मारपीट हुआ था। पुलिस उनका भी मेडिकल करा रहा है, बयान ले रहे हैं, पुलिस वहाँ CCTV फुटेज जो लगी है उसकी तस्दीक करें, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जिसकी भी गलती हो, जितना भी बड़ा आदमी हो जिसका गलती है उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। देखिए CMO बता रहे हैं कि कुछ गवर्न का मामला जो पुराना कुछ पेंडिंग है, जिसमें अध्यक्ष और उनके उनसे जुड़े हुए कुछ लोग उसमें शामिल हैं, उस पर और कुछ और जो मामले हैं उसमें गलत काम करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उसमें गवर्न के मामले में साक्ष्य छुपाने के लिए और दूसरी चीज़ें करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, ये CMO का बयान है। और जिला जो अध्यक्ष है उनका आरोप ये है कि कल से ही जिला ये जो CMO जो है वहाँ पे मौजूद नहीं था, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होना था वहाँ पे पंचायत को लेकर, पंचायत की जो काम को लेके हुए, वो आज बैठक भी नहीं हो पाया, इस वजह से वो पूछने के लिए गया था कि क्यों उसकी CMO पंचायत क्यों उपस्थित नहीं रहते हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में, तो उसको उसके बारे में चर्चा करने के लिए वो गया था, बाद में हुआ था। तो ये दोनों का कहना है। अब वहाँ पर CCTV को फुटेज मिले, पुलिस को और भी कुछ फुटेज मिले, उसका पुलिस जो है अभी तस्दीक कर रहे हैं और जैसे ही क्लियर हो जाता है दोनों को बयान हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, वैधानिक कार्रवाई। देखिए FIR 420 की FIR हुआ है, जिसमें माननीय मुख्य जो अपने उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में उस पर स्टे लगी है, इसलिए पुलिस आगे की उसमें कार्रवाई नहीं कर पाए। CMO ने इससे पहले दो शिकायतें की थी, अध्यक्ष के विरुद्ध में नहीं था, एक उनके चपरासी के विरुद्ध में की थी कि एक फाइल जो है उन्होंने गायब कर दिया, तो फाइल गायब होना कोई कानूनी कोई ये कोई अपराध नहीं था, इसलिए पुलिस उसमें क्या एक्शन।